हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और पूरे एक सप्ताह की छुट्टी के बाद आज सब रह गई है स्कूल, तो थोड़ा सा लेजी डे तो मेरे लिए भी था, बट ऐसा इतना नहीं लगा क्योंकि हम तो उठ ही रहते थे त्योहारों के कारण। जल्दी रंगोली बनाना है तो कहीं कुछ काम है तो कहीं कुछ काम है, इस वजह से तो इतना ज़्यादा नहीं फील हुआ। हाँ, बट सब का उठने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। धामो निकल गई और अब हल्का सा ना ठंड चालू हो गई है, ठंडा सा लगता है हल्का हल्का सा। हाँ, पूरा सुनसान है, त्योहारों पे रौनक रहती है और बाकी पूरी गली में सुनसान सा फील हो रहा है। मैं सब वो चली गई है, मैं जल्दी से किचन काउंटर को क्लीन कर लेती हूँ तो, और फिर थोड़ी देर चली जाऊंगी अंदर। अभी तो कुछ भी ऐसा काम नहीं है, थोड़ा सा आती हुआ है बस। करीब 10 बज गई है, मैं थोड़ा सा सो गई थी तो थोड़ा लेट हो गई, पर मेरा सब काम हो गया फटाफट से। नहा के ना मैंने खाना कंप्लीट कर लिया, रोटियां तो मुझे कम ही बनानी थी क्योंकि बहुत सारी बाटी रखी हुई है तो वो हम लोग खा लेंगे। देखिए 10:05 हो गया, अब खाना कुछ छूट जाना है, तो मैंने जल्दी जल्दी से ना फटाफट से पत्ता गोभी की सब्जी बनाई, चावल भी बन गए, दाल भी बन गई, रोटी भी बना ली है, थोड़ी मोटी बनाई है, 10-12 रोटी बनाई, बस ज़्यादा नहीं बनाई। कपड़े वगैरह मैं आकर वॉश कर लूँगी, अभी बस उसे स्कूल छोड़ने जाना है क्योंकि वो इतने दिनों से नहीं गया ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद करेगा और ये उसे छोड़ कर नहीं आ पाएंगे, तो इस वजह से मुझे भी जाना पड़ेगा साथ में। तो बस मैं जा ही रही हूँ, उसका स्कूल का टाइम 10 बजे का है, ऑलरेडी हम लेट हो गए, 5-7 मिनट ऑलरेडी लेट हैं, 10:15 तक पहुँचेंगे फिर से स्कूल छोड़ने। तो चलिए फटाफट से चलते हैं उसे स्कूल छोड़ने। हम लोग घर से निकले ना तभी से उसके नाटक चालू हो गए थे, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे दीदी के स्कूल जाना है। वहाँ जाने के बाद तो वो इतना ज़्यादा रोने लगा कि फिर उसके स्कूल से ही बोला कि आप उसे 1 घंटे मैच के दिन ले जाना। गेट बंद कर दूँ? क्यों नहीं जाएगी मम्मा? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी मम्मा, यही स्कूल छोड़ने के बाद फिर हम लोग चले गए थे मॉल, क्योंकि कुछ सामान लेना था, रिलायंस मार्ट जाना था स्पेशली, हमें कुछ ग्रोसरी आइटम वगैरह लेना था जो हम अधिकतर ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, बट वहाँ पर शो नहीं हो रहा था तो हमने सोचा वहाँ पर जाकर ही हम चेक कर लेते हैं बाई चांस हो, और हमें मतलब जो रेगुलर बेसिस पे चीज़ लेना था, टूथपेस्ट साबुन वगैरह, वो समझ ही नहीं आ रहा था हमें कौन सा लेना है। सोच कर जाते हैं, वहाँ जाकर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे जो लेना था वो मुझे दिख ही नहीं रहा था, फिर भी ठीक है एक बेसिक सा जो सामान होता है वो लिया हमने, पेस्ट वगैरह, और काना के लिए हमें दूसरा साबुन देना था, उसे भी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसका हमने सोप अलग लिया थोड़ा सा। फिर हुडीज़ वगैरह देखी, बहुत सारी हुडीज़ देखी, हमने एज भी देखा, मतलब वहाँ में जो पसंद आ रही थी ना वो दोनों बच्चों के साइज़ में नहीं थी। फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे, ऊपर मुझे कुछ मसाले वगैरह भी लेना था बट मुझे एवरेस्ट का लेना था, वहाँ पर नहीं अवेलेबल था। फिर ये थोड़ा सा इन्हें कुछ काम था, ये कुछ और देख रहे थे, मैंने सोचा मैं भी ज़रा ऑयल वगैरह देख लेती हूँ। फिर हम लोगों ने बिलिंग वगैरह करवाया, ऐसे कुछ ज़्यादा खास लेना नहीं था, जो भी लिया फटाफट से ले लिया। हम लोग यहाँ से भी ना जल्दी ही फ्री हो गए थे, फिर भी हमारे पास टाइम था क्योंकि हमें जब काना को लेते हुए ही घर जाना था, आधा घंटे के करीब तो हमारा टाइम निकल गया था, आधा घंटा और निकालना था। फिर हम लोगों ने फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स में सीताफल लिया, और सभ्या को बहुत दिनों से याद आ रहा था ड्रैगन फ्रूट, तो भैया जिसके यहाँ से हम लोग फ्रूट्स लेते उनके पास ड्रैगन फ्रूट था, तो फिर हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट भी लिया, और फिर भी टाइम बच गया था तो हमने सोचा कि इसके स्कूल के पास में एक मंदिर है, वहीं थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर वहाँ से उसे लेते हुए ही आ जाएंगे। हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे, फिर जब हम उसे लेने गए तो वो लंच कर रहा था, तो फिर हमने काफ़ी देर तक उसका वेट किया क्योंकि वो लेट गया था तो उसने लंच भी थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया, और होता है ना वो स्कूल से खा लेता तो फिर घर आकर हम लोग को टेंशन नहीं रहता। फिर उसकी मैम ने बताया कि आप लोगों के जाने के बाद वो बिल्कुल चुप हो गया था, फिर बिल्कुल भी नहीं रोया, बट हम लोगों को तो ऐसा लग रहा था ना, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा हो। गर्मी बहुत थी, हम लोग कब से बाहर थे 10 बजे से घर से, तो गर्मी के कारण ना ऐसा गला सूख रहा था, तो हम लोगों ने सोचा गन्ने का जूस पी लेते हैं, इसको भी पिला लेते हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोगों ने बस गन्ने का जूस बनवाया, बट बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छा नहीं था, बिल्कुल टेस्टलेस था, उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं था, बट फिर भी इसको पसंद आया, इसने मेरा ग्लास तो इसने ही पूरा फिनिश कर दिया था, दूसरे ग्लास में से भी इसने थोड़ा मोड़ा पी लिया, फिर हम दोनों ने मिलकर फिनिश किया और हम लोग आ गए थे घर। बस हम लोग आ गए हैं, उसको लेकर भी स्कूल से छोड़ा, उसको लिया, थोड़ी सी शॉपिंग की, घूम फिर के, लेकिन अलारा रखा हुआ है सब, जो गिफ्ट्स वगैरह आए हैं सब मम्मी पापा ने भेजा है वो सब कुछ मिला के सब रखा हुआ है। सो बस अभी हम लोग आए हैं घर, तो अब मैं फटाफट से
मशीन लगा लेती हूँ, और ये मेरे बहुत ज़्यादा हेयरफुल हो रहा है। हेयर टॉनिक भी लगाती हूँ, फिर थोड़ी सी हिना भी अप्लाई करूँगी अपने हेयर्स में, या फिर देखती हूँ कल सुबह से करूँगी। बस अभी अभी ना दोपहर की 2:45 बज रही है और सभ्या आ गई है स्कूल से, ये अभी तक सोए नहीं है, और मैंने सुबह का अपना खाना भी नहीं खाया। मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ, सिर्फ एक कप चाय पी है, क्योंकि ये महाराज सोने के लिए तैयार नहीं है और ये खाना भी नहीं खाने देते मुझे। अब सभ्य आई है तो वो उसको थोड़ी देर देख लेगी खाना खाने के बाद, फिर मैं खाना खाऊंगी। करीब 2:45 के लगभग ही समय हो गया है, तो बस अब मैं पहले सभ्य को दे देती हूँ खाना, और खाना नहीं खाया ना तो अजीब सा हेडेक होने लगा और वॉमिट जैसा फील हो रहा है। मेरा सुबह 6 बजे तो आज मैं उठ गई थी, थोड़ा जल्दी उठ गई थी इस वजह से, और बाहर ही थी मैं, थोड़ा सा काम से बाहर गए थे तो और ज़्यादा हेडेक हो रहा है। भूख तो इतनी ज़ोरों वाली लग रही है कि मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितनी ज़ोर से भूख लग रही है। पर पहले भी सभ्या को खिला देती हूँ, मुझे से स्कूल से है, फिर वो उसको दे रख लेगी तो फिर मैं खाना खाऊंगी। सोना नहीं है आपको? नहीं। क्यों? मैं भी अब बस थोड़े से दाल रही सी खा लेती हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा कुछ खाना। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़े से दाल राइस वगैरह खाने के बाद थोड़ा ठीक सा लगने लगा। फिर सभ्या के लिए बनाया ओरियो शेक, तो 2 से 3 4 5 ओरियो बिस्किट लिया हुआ करीब, और थोड़े से बर्बन बिस्किट भी ले लिया था, उसमें थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से आ जाता है, तो मैं उसके इसमें डालकर थोड़ी सी पीसी हुई शक्कर भी डाल दी थी, और करीब 1.5 से 2 ग्लास के करीब मैंने दूध ले लिया था, और उसी के साथ में ना मैंने फटाफट से इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर कर ही मैंने इसके लिए ओरियो शेक बना दिया था। फर्स्ट टाइम ही बनाया था घर पर, तो बाहर तो पिया हुआ है, बट यही था कि सभ्या को पसंद आ जाए, क्योंकि सभ्या आजकल बिल्कुल भी दूध नहीं पीती है, तो बस उसको दूध पिलाने के लिए ट्राई लिया था। तो बस जल्दी जल्दी से बनाकर दोनों बच्चों को दिया, तो सभ्या ने तो पी लिया था बट कानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसे लग रहा था इसमें चॉकलेट से चॉकलेट्स होगी। कैसा है? चॉकलेट नहीं है। चॉकलेट नहीं है? टेस्टी। ये इसमें चॉकलेट ही तो है। अब मिल रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट सीधे मॉर्निंग में कान्हा को स्कूल छोड़ने के बाद। फिर हम लोगों को कुछ सब्जी वगैरह लेना था, स्पेशली आलू लेना था, आलू बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं घर पर, तो बस आलू वगैरह लिए और फिर हम लोग आ गए थे घर। फिर घर आकर लंच वगैरह किया, पर अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम के समय। दोपहर को मैं सो गई थी कान्हा को लेकर, और शाम को ना फ्रूट्स कट कर कर दे दिए थे सभ्या को, आज उसका दूध पीने का मन नहीं था, तो बस ड्रैगन फ्रूट था उसी के लिए आया था स्पेशली, तो उसको कट कर कर दे दिया, उसी ने खाया। बाकी कान्हा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है इस बार, तो सभ्या को भी अच्छा नहीं लगा। अभी करीब शाम की बज रही है, 6 बजने वाली है, 6:45 के लगभग समय हो रहा है, और आज सुबह से लेकर अभी तक मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, बस मैंने अभी जैसे स्टार्ट किया है। मैं ना चाची के यहाँ जा रही हूँ, हमारे यहाँ पास में जो पीछे जाती रहते हैं उन्होंने बुलाया दिवाली के नाश्ते के लिए, तो बस ऐसे ही घर के सूट में ही जा रही हूँ, पीछे ही तो जाना है। और ये देखिए आज सब कपड़े वगैरह वॉश किए हैं, सब ढेर पड़ा हुआ है, बट वो बहुत ज़्यादा उनका फ़ोन आ गया 2 बार, तो फिर मैं जा रही हूँ इस वजह से, नहीं तो नहीं भी जाती। और बच्चों को सभ्या को तो भी यहीं छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि उसका वर्क नहीं हुआ, वो वर्क कर कर फिर आ जाएगी। क्या है ये? बस फिर थोड़ी देर हम लोग बैठे, थोड़ी देर नहीं काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर चाची ने गरम गरम नाश्ता बुलवा लिया था, जिसको जो खाना था हम लोगों ने, सब लोगों ने बुलवाई थी छोले टिकिया, और बच्चों ने ऑर्डर किए थे अपने नूडल्स, तो फिर बच्चों ने भी खाया, हम लोगों ने खाया। फिर मैंने सभ्या को भेज दिया था 8:30-9 बजे के लगभग घर, क्योंकि उसका सोने का समय हो गया था। बस सब लोग ऐसे बैठे हुए थे काफ़ी देर तक, बातचीत करते रहे। करीब हम लोग रात को ना 12:30-12 बजे के लगभग घर आए होंगे। काफ़ी अच्छा निकला, बहुत दिनों के बाद ऐसा हमारा गेट टुगेदर हुआ था, और ये क्लिप्स ना सभ्या ने लिया है, इसलिए वो प्रॉपर ठीक से दिखा नहीं पा रही है, वो कुछ इधर दिखा रही है कुछ इधर दिखा रही है। और थोड़ी सी फुल्की भी आई थी पानी पूरी, सो स्पेशली सबको पसंद है, सब लोगों ने पानी पूरी वगैरह खाई, तो इस तरह से हमारा दिवाली का गेट टुगेदर हुआ। तो चलिए व्लॉग एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।